तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए अपडेट वाले वीडियो में एकदम इज्जत के साथ। तो शैडो फाइट के बीटा वर्जन में एक नया अपडेट आया है, इसमें जो स्वॉर्ड्स की स्किन स्विन आने वाली है मार्कस के और बाकियों को भी, मतलब तो बाकी कैरेक्टर्स की नए नए वेपन्स की स्किन आने वाली है, तो आप देख ही सकते हो होम पेज पे। तो क्या ही मस्त लग रहा है भाई, एक न्यू मोड भी आने वाला है जल्दी ही, कमिंग सून लिखा है उसके नीचे। और जो लेफ्ट साइड में वो बहुत सारे नए नए कुछ अपडेट्स फीचर्स आए, तो अपन चेक करेंगे कि नए नए फीचर्स में क्या है, अपडेट में क्या क्या आने वाला है ग्लोबल में। तो फिलहाल ये सब अपडेट में आए, देखते क्या क्या नए नए फीचर्स अपडेट में आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। और जैसे आपको मालूम ही रहेगा कि बीटा में तो सब कुछ स्किन विन फुकट देते हैं, मुझे भी इतने भारी स्किन दे रखी है, सबकी स्किन फुकट मिलती है, तो उनको साइड में रखते पहले और अपडेट की तरफ जाते हैं। ये तो इवेंट है, इवेंट में इतना कुछ खास नहीं है, तो नॉर्मल है सब, इसे गलाओ और तट्टी सामान लो, बाकी कुछ नहीं। और ये जो है सेकेंड वाला, ये कुछ क्लेम करने का है, मुझे दो मिले, इसमें क्या है यार मुझे नहीं मालूम, पर क्या है यार, वेपन स्मिथ मैराथन, ओके क्लेम कर लेते हैं। फुकट का कुछ मिला है तो छोड़ने का नहीं यार। ओ बुलवक ऐसा गावत, मेरे को एक ग्लोबल लगा बीच में, कोई बात नहीं, चलो ये क्या है, इंडियन 89 डेज, ओके ठीक है, ये अपन करते हैं बाजू में, मैराथन का कुछ है। और ये जो क्या है भाई, पोती पुस्तक पुस्तक जैसा लग रहा है, इसमें भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, डील 6000 डैमेज वाइल्ड प्लेइंग एज लिंक्स, मतलब शायद ये रॉयल पास। ये देखो पहले अपन एक सब देख लेते क्या है, क्यूबन न्यू स्टांस चेंज इन हीरो टैलेंट्स, ओ माय गुडनेस, ये सब डेली है, ये स्पेशल है, ये सीजनल है भाई, मतलब ये है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ सकता। इसके लिए यूज द स्लैशिंग स्ट्राइक एबिलिटी 10 टाइम्स, अरे मतलब समझ रहा है, ये देखो, मतलब अपन अगर लिंक का, पर्सनल लिंक का देखते हैं, अगर अपन लिंक का स्लैशिंग वो स्ट्राइक यूज़ करे और वो सक्सेसफुल अटैक हो जाए और अपन वो 10 बार यूज़ करे 10 टाइम्स, तो अपन को इतने सारे प्लस मिलेंगे। ये क्या है मुझे देखना पड़ेगा, एक क्या है शायद रॉयल पास में का कुछ है, एक मिनट देखे ना, तो अपन रॉयल पास में जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं मालूम, जो भी हो जो मिलेगा और वो किधर यूज़ होगा वो नहीं मालूम मुझे, देखते हैं फिलहाल। ये देखो 200 250 बाय बाय बाय, और इस सब मतलब सब कैरेक्टर्स का, सब कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ अटैक लेके, मतलब शैडो फाइट वालों, मतलब शैडो फाइट वाले जो लोग हैं अपन से सब कैरेक्टर से खेलना, मतलब खेलने को लगा रहे भाई, सब कैरेक्टर से खेलो, एक ही कैरेक्टर से मत खेलो, मतलब जो अपने फेवरेट है उनसे मत खेलो, सब कैरेक्टर से जाके खेलो, उनकी भी थोड़ी इज्जत दो, थोड़ी इज्जत दो, ऐसा करके ये मंकी का वगैरह क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा है, हल्का वल्का भेजे और बहुत कुछ है यार इसमें तो। और बोलवा एंड का था और बाकी भी कुछ आने वाले हैं, ये शायद येल्लो वाला मंकी किंग का रहेगा, ये आने दे भाई आने दे, बिंदास आने दे, ये बहुत सारे, ये फाइट पास का क्या विषय, ये तो फाइट पास आना, ये ट्विस्ट में आए ओके। और ये पोती तो अपन ने पढ़ ली थी, इसके नीचे अपन जाते हैं, ये तो अपना सादा इवेंट है, ओ भाई इधर फुकट में कुछ नहीं, क्योंकि सब दे चुके, मतलब फुकट में नहीं, उधर जो पैसे में मिलता है वो सब दे मिल चुका है अपन को, काय को रखेंगे यार ऑफर ऑफर्स। ये नए चेस्ट आई है 200 रुपये में भाई, ये तो बीटा में आए, वैसे ग्लोबल में आएंगे कि नहीं ये मालूम नहीं मुझे, चलो कोई बात नहीं, अपन कैंसिल कर देते हैं। और स्वॉर्ड्स के जो मेन अपडेट है, मेन चीज़ का, वो उस पर अपन जाते हैं, तो मैचर्स में जाएंगे। और जो स्वॉर्ड्स की नए नए स्किन्स आए, शायद मेरे को लगता है सभी लोगों को आए, सभी को, तो अपन शुरुआत करते हैं पहले अपने टीम में के कैरेक्टर से। जेट का क्या आया देखना पड़ेगा, जेट कस्टमाइज, ओ हो मुझे तो, मतलब मैं थोड़े दिन पहले ही लिया बेटा, मुझे इतना मैंने खोल के नहीं देखा था, मतलब तो पहले अपन बाकियों को देखेंगे, ये तो स्टांस से तो नॉर्मल है भाई, ये तो छोड़ देते भाई, ये तो ठीक है। ओहो ओहो भाई, ये इक्विप क्यों नहीं होते, ये मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये इक्विप नहीं होते यार, ये जो देख रहे हो ये मस्त मस्त, इसका क्या है, सोलर फ्लेयर
फ्लेयर्स कॉमन प्लस अटैक मतलब 5% बढ़ेगा, इससे शैडो 7% बढ़ेंगी और जो डिफेंस है वो 3% बढ़ेगा। सही बात है, उसका नाम मैंने नहीं लिया, जान दो छोड़ दो। आयरन ग्रेड का कुछ आया क्या? आयरन ग्रेड को बुक्की बुक्की में मतलब बुक्की में अच्छे अच्छे वाले ग्लव्स पहनेंगे क्या आयरन ग्रेड? ये तो सब ठीक है। ओ माय गॉड, आयरन ग्रेड अपना फेवरेट कैरेक्टर है, उसके लिए कुछ आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, पर ग्लोबल में कुछ ले नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत महंगे रहते। शैडो पॉइंट वाले बहुत कमाने को बैठे यार, वैसे छोड़ दो वो अलग बात है। लल अपन अपडेट में देखते क्या है, उसको इक्विप नहीं कर पा रहा हूँ यार, शायद मैं इक्विप करूँगा तो वो मैच में दिखेगा। इसका फैंसी बैशर्स कॉमन है, डिफेंस बढ़ाएंगा 5% ओके ठीक है, और ये जो है पॉन्ज हाइट अटैक को 3% बढ़ाएंगा और डिफेंस को 7%। ब्रूटल बाउंसर्स रेयर कि इसको भी इक्विप करके एक बार ट्राई करके ट्रेनिंग में रुको जरा गाइस, एक बार ट्राई कर लें ट्रेनिंग में जाके कि कुछ डैमेज वैमेज बढ़ रहा है या फिर कुछ अलग लग रहा है कि नहीं। शायद ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, देखते हैं अभी क्या होता है ये वीडियो में। ओ माय गुडनेस, ओ भाई 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 साहब चुम्मा भाई चुम्मे चोरी लग रहा है भाई ये आयरन क्लियर तो भाई क्या लग रहा है गाइस जरा देखो भाई साहब। ओ माय गुडनेस भाई आयरन ग्लेड को भाई चुम्मा भाई क्या ही लग रहा है आयरन ग्लेड। और गाइस शायद मुझे कोई ग्लिच लग रहा है क्योंकि वो सब वो बस हाथ के लिए और ये पूरा आयरन ग्लेड ऐसा कलर चेंज हो गया भाई, उसका स्किन चेंज हो गया क्या मालूम, देखते हैं अभी क्या है भाई क्या ही उसके हाथ गायब। अपडेट दिया नहीं तो भाई बग आ गया, हाथ गायब भेंडी ऐसा लग रहा है खेकड़ा है भाई देख रही कॉपी। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिलहाल अपन ये मैच से बाहर आते हैं। भाई साहब अपडेट नहीं आया तो बग आ गया भाई, मजा आ गया भाई से। अभी जाते हैं अपने तीसरे कैरेक्टर की तरफ जो है होंगजू। होंगजू का क्या आया देखते हैं, होंगजू ये तो मैंने चेक कर लिया था, होंगजू का ये देखते हैं। अरे मेरे को लगता है ये होंगजू तो क्या ही चुम्मेश्वरी लगेगा भाई। अपन ये जो बड़ा वाला लेते 10% का ड्रैगन स्ट्रायम इक्विप जाके प्ले करते हैं, खास करके कटा पता अपन जाते गजागज जाते हैं भाई, जल्दी जाके देख लेंगे मतलब पूरा रिव्यू हो जाएगा यार इस वीडियो में, मजा आएगा मजा आया भाई। ये तो दिख खींच नहीं रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है। ओए ये कौन सा अटैक था भाई, इसका अटैक देने का मतलब बदल गया होंगजू का स्टाइल। ये देख अभी ऊपर का दूंगा, ओ भाई साहब मतलब कुछ तो अलग हो रहा है भाई शैडो फाइट की दुनिया में। तो चलो अपन फिलहाल इसको बाजू में करते हैं और नए कैरेक्टर की तरफ जाते हैं। नोटिफिकेशन क्यों आई भाई नदी, चलो ठीक है अब बढ़ते हैं मंकी किंग की तरफ। मंकी किंग का क्या अपडेट में कुछ ये एक स्टोरी मिली है, जाके चेक कर लेंगे, पास करके जाके चेक कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। बहुत बड़ी वीडियो होनी नहीं चाहिए यार, बहुत बड़ी वीडियो है वैसे ठीक है। वैसे मंकी किंग के जो उसका क्या है डंडा, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ज़रा मुझे लग रहा है कि मेटल का है और बाकी तो ठीक है। चलो इतना कुछ खास नहीं लगा इसमें, वो थोड़ा उधर लिखा था मैं पढ़ा नहीं, मंकी किंग मैं ज़्यादा यूज नहीं करता तो भी देख लेते एक बार क्या था उधर। एक ही लकड़ी थी वैसे, औ गाउंस गिफ्ट ओके 10% को ये करता है वो डैमेज को मतलब अटैकिंग पावर को बढ़ाता है 10%, जाते कीबो पे कीबो तो भाई चुम्मेश्वरी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना उसके अंदर स्वॉर्ड स्पेशल। ओ माय गुडनेस गाइस इतनी सारी स्वॉर्ड 5% सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड खतरनाक नाम है। फेयरवेल किस, ओ माय गुडनेस ये तो भाई एकदम मजेदार नाम है, मजा आ गया भाई। एब्स ठीक है एब्स अभ्यास, ओ भाई ये अभ्यास भाई मराठी शब्द इधर आ गया यार, ओ ठीक है
और यह है मेन जो चीज़ें हैं वो है, और जो बाकी का है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये एपिक वाला तलवार है, इसका क्या है, स्कारलेट विंग जेंस, ओके 10% अटैक को बढ़ाती है और 5% डिफेंस को बढ़ाती है। अपन इसको इक्विप करेंगे और जाके देखेंगे ये क्या है, और मैं वो फेयरवेल किसका भी देखने वाला हूँ। वैसे रुको जरा, रुको, सब्र करो, देखेंगे वो भी। तलवार तो भाई क्या ही लग रही है, वन साइड ओपी, ओ माय गुडनेस। वैसे इससे तो डैमेज बढ़ रहा है, वैसे तो नहीं लग रहा है, ये सब नॉर्मल ही लग रहा है। ठीक है। पर तलवार जो दिख रही है एकदम ओपी लग रही है, ओपी वाली भाई तलवार, ठीक है। और मजा आ गया वो तलवार देख के, इतनी सारी तलवार है, पर अपन फिलहाल एक ही चेक करेंगे जो सबसे एंड में आई है, बाकी कुछ नहीं चेक करेंगे। मार्कस में जाते हैं, मार्कस के तलवार, अभी मार्कस को इतनी सारी तलवार दी है, ये कौन सी तलवार है, ड्रैगन स्लेयर, ये कौन सी, शैडो रेजर, और ये है मैग मैरॉन। भाई साहब नाम ही कितना खतरनाक है भाई, मार्कस ही हिल गया भाई नाम देख के। इसमें क्या होता है, 10% अटैक बढ़ रहा है और 5% शैडो बढ़ रही है, ठीक है। अपन इसको इक्विप करते हैं और देखते हैं कि क्या कमाल करती है तलवार। जल्दी हो जाए भाई, प्ले शुरू, चलो फाइट अरिना, बड़े बड़े अपडेट ला रहा है। ओ भाई गाइस तलवार को देखो भाई, भाई क्या ही दिख रही है भाई, ऐसा लग रहा है भाई लावा में से तलवार को उठा के लेके आया मार्कस। सोइए अरे वैसे तो मैंने देखा था ये तलवार से आग लगती है, पर आग तो कुछ लगी नहीं इसको, क्या है भाई, ठीक है। एक शैडो देख के इसको पका लेते हैं। ओए भाई वैसे इतना कुछ खास तलवार का तो मुझे नहीं लग रहा है, पर ये तलवार जो है लुक वाइज देखूं तो कतई जहर है भाई, वन साइड लग रही है। चलो जाते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है यार अपना, शायद से मिडनाइट है, शायद कंफर्म नहीं, हाँ मिडनाइट ही है। मिडनाइट देखते हैं डिटेल्स में जाके, मिडनाइट कस्टमाइज और इसकी तलवार, तलवार नहीं है इसके पास, जो छोटे छोटे मतलब तलवार ही है, चाकू जैसा क्या ही बोलूँ भाई इसको, इसका नाम नहीं मालूम, आईसी स्लाइसर्स, ओ भाई ठीक है। और ये क्या है, इनफिल्ट्रेटर्स, वो सही है, इसमें शैडो का 7% डैमेज बढ़ रहा है और डिफेंस 3% बढ़ रहा है, ठीक है। इसको भी अपन इक्विप करके एक बार काट करके देख लेते हैं कैसा है ये, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है मिडनाइट का। वैसे मिडनाइट बहुत 30 कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा डैमेज है उसकी भी, इसको ज़्यादा तलवार। ओ भाई ये केट की ये पर्पल क्यों दिख रही है, इनका ग्रीन स्क्रीन काम करना बंद हो गया क्या भाई। वैसे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, पर जो ये सामने वाली केट का जो है वो तो भाई कुछ तो ग्लिच या फिर बग है, ये शायद हो जाएगा फिक्स जल्दी, ठीक है भाई। केट को भी अपन को रिव्यू करने का अभी तक, चलो फिर गाइस ये भी ठीक था, इतना कुछ भारी नहीं था, पर जो मार्कस का जो फ्लेम वाला तलवार था मज़ा आ गया। तो बढ़ते अपने लिंक्स दादा की तरफ, लिंक दादा को शायद ही कुछ अपडेट में आया रहेगा, अरे नहीं यार बस एक ही क्लॉ है इसके, एसिशियन राइड करके 10% डैमेज को बढ़ा रहे हैं। इसको इक्विप करने की गाइस मुझे कुछ ज़रूरत तो नहीं लग रही है, इसका गेम प्ले मतलब नॉर्मल ही रहेगा, 10% डैमेज बढ़ रहा है समझ लो, इसका मैं गेम प्ले नहीं दिखाता क्योंकि इसका कुछ इतना खास नहीं है। बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, अगला कैरेक्टर अपना ये लिंक्स दादा, इसकी स्किन तो भाई क्या ही लगती है भाई, वन साइड की स्किन है, मज़ा आ गया। उसके पास भाई तीन तलवार आए नए वाले, ये कौन सी है, स्नोफॉल 5% डैमेज को बढ़ा रही है, कॉमन है वैसे ये, और वॉल टोकन ये भी 5% डैमेज को बढ़ा रही है, और ये जो है चेरी स्टील स्ट्राइकर रेयर ही है और 3% डैमेज को बढ़ा रही है, 7% डिफेंस बढ़ा रही है। सही है, एक बार अपन इसको इक्विप करेंगे और प्ले करके देखते हैं वैसी दिखती है तलवार, अगर मस्त दिखे तो भाई मज़ा आ जाएगा। वैसे लिंक की स्किन तो ओपी वाली है, वैसे ये और वो कीबो की तलवार ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस उसमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग अच्छा किया है, वैसे दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है तलवार, इसका कुछ फर्क नहीं,
ज्यादा लिंक्स यूज नहीं करता। मुझे लग रहा कि डैमेज दे रहे मस्त वाला। ठीक है फिलहाल तो ये स्किल दिखने में तो ठीक लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जो है हमारा, देखते देखते ये लोड होने दो यार, इतनी घाई की है, जो है हेलगा। हेलगा भाई मस्त लग रही है, देखते हैं इसकी स्किल। ओ माय गुडनेस भाई साहब, ये तलवार देख के भाई मुझे पबजी की याद आ गई भाई। मतलब पबजी में भी इस थीम की कुछ अपडेट आई थी उसमें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गन में इसी स्किन थी। मस्त लग रही है वैसे ये हेलगा की तलवार। और ये भी मस्त, इसका देखें तो बीम ऑफ लाइट 5% डिफेंस को बढ़ा रही है। और ये है लस्ट्री रेयर है ये 5%, वो क्या है हेलगा का वो शैडो पावर है, उसको 7% बढ़ा रही है। और मतलब डिफेंस जो है 3% बढ़ रहा है। इक्विप करके ट्राई करके देख लेते कैसी तलवार है। हो जा भाई दौड़, 5 मिनट में दिखने में तो लुक वाइज ये जो स्किन है इसके ऊपर क्या ही मैच कर रही है गाइस। वन साइड लग रही है तो पीछे की तलवार भाई, मतलब पीछे की तलवार नहीं उसकी शील्ड भी मस्त लग रही है एकदम। और जो डैमेज वाइज इसका मुझे डैमेज बढ़ रहा है, अगर आप गौर करके देखो तो बढ़ा रहेगा। हाँ ये शैडो का डैमेज बढ़ने वाला है, ठीक है ये सब स्किन भी ठीक है अच्छी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और वो है हमारा प्यारा सा, नहीं मालूम वो प्यारा है कि टट्टी है, शैंग दादा। नहीं यार ये टट्टी है भाई, ये फंगस स्किन है भाई, फंगस है फंगस, फंगस टट्टी होता है भाई। चलो ये स्किन तो मस्त है वैसे। ओ माय गुडनेस भाई साहब, शैंग के तो भाई क्या स्किन सा है, एजुकेशन का एग्जाम करो भाई, टट्टी एजुकेशन। और ये जो ठीक है ये भी ठीक है, पर इच्छुक नहीं हो रही, वो दिखाता नहीं है शायद, इच्छुक करने के बाद दिखाए, नहीं वो भी नहीं दिखाता। ये है मलाई मलाइस मलाइस, ये नाम क्या है भाई इतना क्रूज, ठीक है टेंपल डिफेंडर ओके। और ये जो भाई ये मस्त है एकदम, मतलब इक्विप करके देखते पर इक्विप नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों, वो शायद बग है या फिर कुछ क्या है मुझे नहीं मालूम। पर ये जो है क्या, अरे भाई साहब ओके ठीक है, ये जो है तलवार, तलवार नहीं बोल सकते इसकी लकड़ी और झाड़ू झाड़ू वाड़ू जैसे लग रहा है एपिक है ये, वाइल्ड एप्लीकेशन लेड एपिक है, 10% शैडो डैमेज बढ़ा रहा है और 10% डिफेंस बढ़ा रहा है, ऐसे ही चलता है ना, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, देख लेंगे अगर गलत है तो कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है ये मस्त, अपन इसको चुप करके देखते कैसी स्किन है, मुझे तो मस्त लग रही है, देखते हैं भाई की बिल्ली हवे में। ओह माय गॉडनेस, ओ भाई साहब ये तलवार जो है ये स्किन से इतनी मैच कर रही है भाई कि वो शैंग दादा नहीं मुझे कोई नया कैरेक्टर लग रहा है, क्या ही है मतलब भाई, इसका झाड़ू तो क्या ही बना दिया भाई। जो वो रहता था ना वो क्या उसको भाई, वो कार्टून में दिखाते थे वो उसको नाम नहीं आ रहा यार, छोटा भी मैंने क्या, वो बुढ़ी औरत थी उसका, वो झाड़ू पे से भाग जाती थी, वो उसको क्या बोलते विच शायद, चलो कोई बात नहीं वो विच कर देते। पर ये जो उसका, ओ भाई वो उसको देखो वो लटक रहा है, वो तो क्या ही लग रहा है भाई, मतलब मस्त लग रहा है। सही है। अपन बस इसको देखेंगे कितना मस्त है, बाकी सब तो हम बाद में देख लेंगे। चलो गाइस ये तो मस्त था, बाकी क्या अपन नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी ये। चलो ठीक है शैंग का भी मस्त था, उसके बाद जो नया कैरेक्टर है वो है, नया कैरेक्टर नहीं चलो अगला कैरेक्टर है, उसका नाम है केट नली। इसका ब्लॉग ब्रेकर हटा दिया तो ज़्यादा कौन लेता नहीं, इसको यूज़ नहीं करता, ये तो स्किन में ठीक है। तलवार देखो तो गाइस क्या ही तलवार, सही है भाई। 10 क्रीपर्स हीरोइक डेड्स, इनके अभी डैमेज हो नहीं पड़ रहा। एल्डर फिंगर क्रिमसन एंड गोल्ड, ओ माय गुडनेस, शैडो पावर को 7% बढ़ा रही है, डिफेंस को 3% बढ़ा रही है। और ये जो है भाई
एवर हंग्री शार्ड्स एपिक है और 5% डिफेंस अटैक बढ़ा रही है और 10% शैडो बढ़ा रही है। चुप करके चुप तो रखिए करके अच्छाते हैं इसमें भाई, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, 20 मिनट के ऊपर तो वीडियो जा। ओ माय गुडनेस, ये शायद एक ग्लिच है, कोई बात नहीं, ये ग्लिच शैडो पार्ट वाले जल्दी ऐसे अपन आशा करते हैं। ये शायद पॉइजन ऐसे कुछ समझ तो, ओ भाई वो भाई गिर गया भाई, डैमेज तो मस्त लग रहा है गाइस वैसे, पर ये तलवार का कुछ तो शायद ग्लिच है, वो हो जाएगा ठीक जल्दी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है द फायर गार्ड 30, आपकी दुकान फायर गार्ड, गार्ड नहीं हर जगह आग लगा देता है ये नल्ला। ठीक है, ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट ओनली फ्लेम बियरर्स, भाई ये शैडो में बढ़ा दिया भाई 10%, ये तो भाई कच्चा खा जाएगा, कुछ देख के इसका कैसा लुक है भाई, इतने अच्छा गए लुक वाइज तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, बाकी का देखते हैं। लुक में तो मतलब स्किन से मैच हो रही है और एवरेज लग रहा है मुझे, इतना कुछ खास नहीं है, जो मैचिंग है मतलब मस्त दिख रहा है वो, डैमेज का तो पता नहीं, डैमेज का अपन अगली बार वीडियो में देख लेंगे अगर डालूंगा तो, नहीं तो ये तो ठीक है मस्त दिख रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और जो नया कैरेक्टर मतलब अगला कैरेक्टर जो तो नहीं यार फायर गार्ड के बाद है अपना बुलवक दादा, इसकी तो स्किन क्या ही बोलूं भाई, वन साइड ओपी स्किन है तलवार की बात, ओ माय गुडनेस, ओहो ये तो मस्त लग रहा है वैसे, इरेजर टूल्स ओके 5% डिफेंस को बढ़ा रहा है, और ये है बैस्टॉन एंड कैनन बॉल रेयर है 3% अटैक को बढ़ा रहा है, 7% डिफेंस को बढ़ा रहा है, ओके सही बात है, और अपन इसको इक्विप करके एक बार ट्राई कर लेते हैं, चल से चल कैसा है इसका लुक, फर्स्ट लुक, और देख दिखने में तो वो उसका जो क्या ही बोलते हैं जो भी उसका वेपन है ये भाई गोला भाई, वो तो क्या ही दिख रहा है भाई, इसका शील्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, शील्ड शायद नहीं 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 दिख रही, पर वो जो गोला है भाई वन साइड लग रहा है, क्या ही लग रहा है मतलब मस्त भाई, मजा आ गया नया अपडेट देख के तो। चलो ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है अपना सार्च, ठीक है सार्च को हथौड़ी में थोड़ा फार कलर दिया रहेगा शायद से, नहीं यार हथौड़ी को पूरा अलग ही ग्रेड दिया है, ओके ये तो ठीक है, क्नी क्रशर्स ओके 10% डिफेंस को बढ़ा रही है, और ये जो है स्ट्रीट हीटर्स 7% अटैक को बढ़ा रही है और 3% डिफेंस को बढ़ा रही है, क्लिक करके एक बार देख ले रहे कैसी दिखती है, इसका लुक लुक देखने में जो मजा आया ना भाई, मजा आया भाई, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, लुक में तो मस्त लग रहे वैसे ये, पर अगर ये भाई मतलब फाइट पास या फिर पैसों से आए तो भाई सब बंदे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मैं खुद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वैसे दिखने में तो ये मस्त है, उसका लुक देखो तो सही है एकदम मैच कर रहा भाई स्किन से भी, पर वो स्किन तो मोबाइल में इसके पास रहेंगे उसके साथ ही मैच होएगा, तो ठीक है डैमेज को थोड़ा कम कर दिया, ऐसे क्यों लगाया मुझे, ठीक है देखते हैं अपन अगले कैरेक्टर की बढ़ते अगले कैरेक्टर की तरफ, और वो है अपना अजूमा, अजूमा के झाड़ू को भी क्या किया क्या मालूम, फील्ड नागिनाटा ओके फील्ड नागिनाटा 5% अटैक बढ़ा रहा है, और ये जो है स्कैल्पेल, ओ माय गुडनेस इतना बड़ा मतलब भाई क्या ही बोलूं भाई, 7% शैडो को बढ़ा रहा है, 3% डिफेंस बढ़ा रहा है, चुप करके एक बार काट करके जाके देख लेते हैं ट्रेनिंग में क्या है इसका सीन, दिखने में तो लुक वाइज तो ओपी लग रहा है, उसके जरा कोने पे देखो भाई आग लगी सी लग रही है मतलब आवाज तो भाई
ठीक है लुक वाइज देखेंगे तो अच्छा है, हेलगा की तरह और उससे ज़्यादा बढ़कर अच्छी लग रही है वैसे ये तो ठीक है। और ये ज़रा लंबा हो गया, ऐसे क्यों लग रहा है भाई मुझे? हाँ लंबा हुआ है भाई, लंबा हुआ है, ठीक है लंबा है तो और दूर तक मार सकेगा। जुमा बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। अगला कैरेक्टर क्या है? अगला कैरेक्टर है अपना युका की तलवार में कुछ चेंजेस आए क्या? ये देखो भाई 5% डिफेंस को, अटैक को बढ़ा दिए। और ये है हेवी ब्लेड 3% शैडो पावर को बढ़ा रही और डिफेंस को 7% बढ़ा रही करके कट करके जाकर ट्रेनिंग में देख लेते हैं। और उसके बाद वो अपना लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर का क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो बंदे अभी तक आए नहीं। ओह माय गॉडनेस स्किन क्या ही लग रही। ओह भाई इसका चाकू भी, मतलब ओ ओ भाई आर पार नहीं चाकू वाकू आर पार भिड़ेंगे नहीं, वजह मैटर नहीं करने का मेरे को फिलहाल। ओ दिख रहे वाइज लुक वाइज तो मस्त लग रहा है, चाकू का थोड़ा सा शेप बदला है ऐसा लग रहा है। और जो थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग है वो भी ठीक ठाक ही किया, युका से मैच कर रहा है स्किन के हिसाब से, ठीक है। अटैक वटैक करके डैमेज का कुछ नहीं भाई, युका मुझे नहीं चाहिए। चलो ये तो ठीक था, मस्त है। बढ़ते अगले कैरेक्टर की तरफ। और अगला कैरेक्टर अपना जो है वो है अपना एम्परर का कुछ नहीं होगा शायद, कुछ चेंजेस शायद ही आ रही हैं। थोड़े से ग्लव्स में चेंजेस आए, ग्लव्स के थोड़े 7% अटैक को बढ़ा रहे हैं और 3% शैडो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ग्लव्स देखने लायक ऐसा कुछ नहीं गाइस इसमें, बस ये नॉर्मल से है, इससे थोड़ा ये येलो और ये ऑरेंज ज़्यादा कुछ नहीं। और ये पट्टी लगा दी है वो भी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रिवर्स कलर दिया है, रिवर्स मतलब जिस जगह पे ऑरेंज था उधर येलो दिया, और ऑरेंज नहीं मतलब रेड है वो, रेड की जगह येलो दिया है और येलो की जगह रेड दिया है, बाकी कुछ नहीं। ट्रेनिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल है बस। ये ड्रेनर्स है, ड्रेनर्स 7% ये बढ़ा रहे हैं अटैक और 3% शैडो को बढ़ा रहे, ठीक है। तो ये सब है अपडेट में, और इसका अपन ने रिव्यू नहीं किया, सबका तो हो चुका है, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को एंड कर देते हैं और यही था सब कुछ अपडेट में। ये जो न्यू मोड आने वाला है वो जब आएगा अपन तब अपडेट में डाल देंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम पे। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।